This is the non-confirming Parsi and you're listening to Banmaska Season 2. Untold Parsi stories of a Parsi by a Parsi for the world to listen. To chalo, shuru kariye. Episode 6. वो पिछला एपिसोड का थोड़ा रिपीट मारता है। थैंक यू इंस्पेक्टर जिमी, तुम्हें टाइम पर फोन कर ही दो। फरीदुन सरप्राइज में जिमी को देखता है। इंस्पेक्टर जिमी फरीदुन के पास जाकर, थैंक यू तो मने केवू जो ये फरीदुन अंकल ने, टाइम पर तो एवने मने साचो जरथोस्ती शू करी सके छ ए याद अपावी दीदू। फरीदुन को कुछ कुछ अब समझ में आ रहे है। खीमा पाव खाई ने जजे डिकरा, तारू फेवरेट। ड्यूटी ज्वाइन की दी ते डर थी खाए ज रहो फरीदुन अंकल, हमना ड्यूटी पर छऊ पछी आवस, खीमा पाव खावस पैसा आपीने। देमावन विला में देर रात सब सो रहे हैं। अचानक से फोन की घंटी बजती है। सिरिन फोन उठाती है। बोल चिन्मय, केम छे मम्मी? चिन्मय फोन के उस पार से बोलता है, काई नहीं ते थोड़ा सा हार्ट अटैक आला है। फरीदुन पूछता है, किसका फोन है? सिरिन माउथ पीस पर हाथ रखकर बोलती है, चिन्मय छे थोड़ा सा हार्ट अटैक आला है बोले। बात कर पूछ आवियसु, पप्पा पूछे आवियसु। अचानक से खिड़की के कांच के टूटने की आवाज आती है। एक बड़ा सा पत्थर हॉल के बीचों बीच आके गिरता है। सिरिन डर जाती है पर फोन नहीं रखती। फरीदुन खिड़की की तरफ जाता है। झांगू ऊ बीताना उठ। बार क्या नींद से जागकर किचन से बाहर निकलता है सिरिन। फोन पर कोई पत्थर मारियो घेर पर। तभी डोरबेल बजती है। अब सब डरे हुए हैं। फरीदुन मार्बल के टेबल पर रखा वाज उठाता है और दरवाजे की तरफ बढ़ता है। बार क्या लकड़े का स्टूल उठाकर उसके पीछे। झांगू बटर नाइफ उठाता है। दूसरी ओर से फोन पर चिन्मय की आवाज, मैं क्या मानता हूँ? सिरिन दरवाजा पर कोई छे। फरीदुन आहिस्ता से दरवाजा खोलता है। फरीदुन और बार क्या किसी को देखकर जोर से चिल्लाते हैं। बार जो है वो भी उनके साथ साथ चिल्लाता है। टॉर्च की लाइट में सनोबर हटेली का चेहरा कुछ भयानक सा लग रहा है। सनोबर हटेली टॉर्च की लाइट बंद करते हुए, आई दिनकर कालेना छपरी हता अपरा छोकरा जॉयले से, तुम्हें टेंशन ना लेता पप्पा। सिरिन बारके और झांगू के मुंह से एक साथ निकलता है, पप्पा। फरीदुन वाज नीचे रखते हुए बोलता है, आओ 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 सनोबर डिकरा आओ। बारकिया सनोबर हटेली को अचंभे से देख रहा है। सिरिन अभी भी फोन पर है। झांगू बटर नाइफ टेबल पर रख देता है। फरीदुन बोलता है, लेट मी इंट्रोड्यूस, मीट मिस सनोबर हटेली एंड दिस इज माय डॉटर सिरिन, फोन पर माय जमाई चिन्मय चे, दिस इज माय बारकिया एंड दिस इज झांगू माय सन। सनोबर हटेली हाथ हिलाकर झांगू को दूर से हेलो बोलती है। झांगू भी स्माइल करते हुए एक हाथ हिलाता है। सिरिन सॉफ्टली फोन पर, कोई सनोबर हटेली छे ने पप्पा बोले छे। सनोबर हटेली अपने स्टाइल में, ए सुक्को बुमलो काले भाव, तमारी सुपारी लेने आवेलो मारी पासे, एनी सुपारी साला एना ज गा, ते दिवस थी हूं ने मारा छोकराओ 24/7 तमारी पाछल जाइए। झांगू को बड़ी हंसी छूट रही है। सुखो 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 बुमलो, सनोबर हटेली प्यारी स्माइल देती है झांगू को। एकदम से अनकंफर्टेबल सन्नाटा है। सनोबर हटेली फरीदुन को देखकर बोलती है, चलो तो हूं जाऊं, तमे सोई जाओ आराम थी, आपरे चाहिए पर। सिरिन को देखकर बोलती है, चिन्मय ने दुआ आपजो। सिरिन मुस्कुराकर सॉफ्टली चिन्मय से बोलती है, तने दुआ अप्पा केच। सनोबर हटेली बारक्या को, कितनी भी उम्र थई जाए तू बारक्या नो बारक्याज। सनोबर का ह्यूमर बारक्या पर वेस्ट है। बारक्या और बारक्या का स्ट्रेट फेस एक्सप्रेशन सनोबर को विदा करता है। दरवाजे तक जाते जाते एक बार फिर हटेली घूमती है और एकदम इमोशनल होके, चलो पप्पा जाऊंच। फरीदुन भी एकदम इमोशन से भरा हुआ, थैंक यू डिकरा, ऊ जाऊंच नहीं बोलवानू, ऊ आऊंच बोलवानू। सनोबर हटेली अपने आंसू छिपाकर पलट कर चली जाती है। पटेटी का दिन, पटेटी बोले तो पारसी कैलेंडर के साल का आखिरी दिन। पारसी लोगों को ना कभी हैप्पी पटेटी नहीं बोलने का,
क्योंकि पटेटी का दिन होता है पछता ताप का। पूरा साल में अपन जो लोचा लापसी खेला है, झूठ बोला, किसी का दिल दुखाया, पारसी लोग इस दिन को बैठकर पूरा साल का गलती का एहसास करता है और माफी मांगता है। तो याद रखने का, अगले दिन नवरोज मुबारक बोलने का, पर हैप्पी पटेटी कभी नहीं। फरेदुन अपना फेवरेट जगह पर खड़ेला है, जरू के फोटो को देखकर घेर सुधी पुगी गया। मने मारी फिकर न थी, पन झांगू शिरिन आपरो चिन्मय फली ने एनु फैमिली भी तो छे, ने आपरो बार क्या अजे पटेटी नो दिवस छे, परफेक्ट टाइम फॉर ओल्ड टू गो ने न्यू टू कम। तू ने नौशिर कहता था ने, नवी दुनिया ना नवा धाव, जे सीखी ले ते राजा, नहीं तो पाछा तमारे गाम जाओ। गाम जवानो टाइम थई गयो लागे छे। पीछे से आवाज आती है, पप्पा साइन ना करता पप्पा। फरेदुन को पता तो है पर यकीन नहीं हो रहा है। वो पलट कर देखता है, झांगू बारक्या के सपोर्ट के साथ खड़ा है। साइन ना करता, जहांगीर कैफे आपरू छे, आपरू ज रहसे, कोई ना बाप नी ताकत न थी के अपनी पासे थी लई ले। पूरा सेंटेंस एक साथ झांगू के मुंह से मैंने और फरेदुन ने कभी नहीं सुना। दूसरी तरफ से सिरिन, साइन ना करता पप्पा, झांगू बराबर बोले छे, सालों ने फाड़ी नाकसू, साइन ना करता। झांगू एक बार फिर, ऊंचे उन्हें तुम्हारी साथ है ने जाओ, हमें कौन ने लाया। जहांगीर दरवाजे की ओर देखता है, फल्ली एंट्री मारता है। फरेदुन का सारा गुस्सा बाप का प्यार बनकर आंसुओं में कन्वर्ट मारता है। फल्ली फरेदुन को देखकर, अनहोनी को होनी कर दे। फल्ली की आंखों से ये मोटे मोटे आंसू। फल्ली अपना हाथ सिरिन को देते हुए, अनहोनी को होनी कर दे। सिरिन फल्ली हाथ से हाथ मिलाकर, होनी को अनहोनी। झांगू सिरिन का हाथ पकड़कर, एक जगह जब जमा होती नो फली शिरिन और झांगू। फली फरेदुन की ओर हाथ बढ़ाकर, पप्पा गावनी, सब एक साथ, अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी, अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी, एक जगह जब जमा होती नो झांगू शिरिन और फली, झांगू शिरिन और फली। हिस्ट्री में पहली बार बारक्या का एक्सप्रेशन चेंज हुए है। फल्ली फरेदुन के आंसू पोंछते हुए और उसे कोटी करते हुए, अरे गले लगाते हुए, नौशिर मामा भी एंट्री मारता है। फरेदुन नौशिर को देखकर, ए इन्हें सो करेच। फल्ली समझाते हुए, पप्पा तुम्हें बैसो। फल्ली फरेदुन को इजी चेयर पर बिठाकर, तुम्हें इन्हें बैसो, हमें तुमने बद्दू कहिए। अब जो जो फ्लैशबैक के मॉन्टेज में चल रहे है उसका अपन तुमको कॉमेंट्री दे रहे है, सुनने का मेन सीन है क्या। कुछ दिनों पहले नौशिर मामा के घर पर, नौशिर मामा दरवाजा खोलते हैं, सामने झांगू और बारक्या। झांगू थोड़ा थोड़ा करके नौशिर मामा को सब एक्सप्लेन कर रहे हैं, जरूरत पड़ने पर बारक्या भी। नौशिर मामा झांगू को गले लगा लेता है। बारक्या झांगू के आंसू पोंछता है। जायसवाल की ऑफिस में नौशिर मामा रोहन जायसवाल और काले भाव को मिलने आया है। उनके साथ हाथ मिलाता है और काले भाव और रोहन जायसवाल गब्बर और शाकाल के जैसा हंस रहे है। नौशिर मामा ऑफिस से निकलकर बाहर पार्क हुई एक विंटेज कार में बैठ जाता है। अंदर झांगू और बारक्या बैठे लाए। झांगू नौशिर मामा को आंख मारता है। नौशिर मामा भी बारक्या और झांगू को आंख मारता है। नौशिर मामा के घर पर झांगू फली को वीडियो कॉल कर रहे है। फली कॉल पर उसके वाइफ और बच्चे के साथ। झांगू उसे सब एक्सप्लेन करता है और उसे इंडिया आने के लिए मना लेता है। फल्ली का बेटा और उसकी वाइफ बहुत खुश है। फल्ली झांगू को प्रॉमिस करता है कि वो सब संभाल लेगा।
फल्ली के लंदन के हाउस में फल्ली के लैपटॉप के स्क्रीन पर। लीज एक्सटेंशन एप्लीकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, हेरिटेज स्ट्रक्चर एप्लीकेशन। एक के बाद एक फल्ली भुलटू में कुछ रिसर्च मार रहे हैं। वो फल्ली थोड़ा फास्ट है ना, तो आप उनको ठीक से सब नहीं दिख रहे हैं, पर उसका फेस का एक्सप्रेशन देखकर लग रहा है कि फल्ली कहीं ने कहीं तो गोठ भी दे से। मोंटाज खत्म, अब लाइव सुनने का। पापा हूँ छू, मैं कहलू ने हूँ छू, झांगो फरेदुन को बोलता है। फरेदुन रोते रोते जरू की फोटो फ्रेम को देखता है और झांगो को गले लगा लेता है। नौशिर मामा को देखकर, नौशिर सरड़ा मामा अपनी बाहें खोलकर उसको गले लगने को बोलता है। सब खुश है, फल्ली की वाइफ गुलनवाज और 19 साल का उनका बेटा जियस सबसे मिलते हैं। जियस पतला सा है और अजीब से चश्मे पहनता है। फल्ली का माफिक उसका हाथ में भी किताब है, पर नया टाइप का ई बुक। फरेदुन नौशिर से, सॉरी नौशिर, तने समझ मामा। नौशिर मामा उसे बीच में ही रोकते हुए, छोड़नी अवे आपरे बता पाछा मली गया बस, जरूर वो खुश थसे आजे। अचानक से फरेदुन साइलेंट हो जाता है और कुछ सोच रहे है। उसका शकल देखकर आप उनको डाउट जा रहे है कि ये रोतलू ने कुछ तो लोचा मारे ले। पन मारा थी एक नल्ली जी भी भूल थे गई, मैं तो आज ही डॉक्यूमेंट साइन करी दी था। सब एक साथ सू? फरेदुन एकदम बासु चटर्जी की फिल्म का क्लाइमेक्स के माफिक जवाब देता है। हाउ वाज आई सपोज टू गेस दैट इट वाज गोइंग टू बी अ हैप्पी एंडिंग। फिर सब एक साथ, जिया सबसे समझदार। गाइस बट नौशिर हैजंट साइंड इट, दैट इज व्हाट झांगूस प्लान वाज राइट। सब हंसने लगते हैं। चिन्मय हंसते हंसते, ते तर आम्ही हसे क्लाइमेक्स म्हणून रिएक्शन देत होता। फरेदुन प्यार से, आई सुपारी जेटलो छे पन वाट केटली मोटी मोटी करेच। जियस फरेदुन से पूछता है, मोपा व्हाट इज सुपारी? पहले तू मने बोल व्हाट इज मोपा? शॉर्ट फॉर मोटा पप्पा, मोपा। नौशिर मामा फरेदुन के कंधे पर हाथ रखकर बोलता है, फरेदुन तू टेंशन ना ले, तो मारी साइन वगैरह लोगों जहांगीर कैफे ने कई नहीं करी सके, तारा पप्पा नी मिल्कियत तारी पासेज रह से। फरेदुन जियस को कोटी करते हुए, नौशिर मारी खरी मिल्कियत तो मने आजे मली गई, ते भी व्याज साथ है। जियस अपने पप्पा से पूछता है, व्हाट इज व्याज फली? फली उसको व्याज का मतलब समझाता है। वहां चिन्मय, चालनी सीरिन फेल्फी घे हुआ, फेल्फी आई वरी सु, फेल्फी फैमिली चीज सेल्फी। पूरा ईरानी परिवार एक साथ एक ही सेल्फी में, ऐसा तो पारसी लोगों का लाइफ में दो ही बार होता है, नवजोत का सेलिब्रेशन हो या लगन का रिसेप्शन, और आज दोनों में से कुछ नहीं है। जियस के इंस्टाग्राम पर ईरानी फैमिली कितना मस्त लग रहा है। फेड टू ब्लैक, स्क्रीन प्ले जब खत्म होता है ना, ये उसका लास्ट लाइन होता है, पर ये पॉडकास्ट है। ए भाई लोग, हेडफोन अभी निकालने का नहीं, अभी हैप्पी एंडिंग हुआ नहीं है, क्योंकि कल नवरोज है, नया साल, और ये पारसी लोग ना नए साल के दिन भी वही करता है जो अक्खा साल करता है। ख प ज, ख प ज बोले तो खुद ही सुन लो। सेव, दही, पातरानी, मच्छी ने रोटली, पुलाव, दाल, रासबेरी, बियर, म्यूजिक। ईरानी परिवार नवरोज के साथ साथ अपना रीयूनियन भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। हस्ता रमता सवने गमता पारसिये नू नाम, जानू खाता जानू पीता ते अमारू गाम। पारसी जोक्स पर पोते हसीये, चैरिटी करीने भूली जाइए, एवा हमारा काम। उड़वाड़ा जवानी पिल्ले और अमा सुखासु, एवा अमारा प्लान। वात वात मा माई बेन करिए, तो भी बद्दा बोले तुम पारसी लोग बहुत मिठा मिठा बोलता है, एवु अमारु मान। हस्ता रमता सवने गमता पारसी एनु नाम,
जानू खाता जानू पीता ते अमारू गाम। नौशीर मामा का फोन कंटिन्यूस बज रहे है। ऐसा लग रहा है जैसे फोन करने वाला बहुत टेंशन में है। सिरिन फोन के स्क्रीन पर काले भाव एमसी फ्लैश होते हुए देखती है। नौशीर मामा मजे से पारसी पैग एंजॉय कर रहे है। सिरिन फोन उठाती है। जायसवाल की ऑफिस से काले भाव, क्या रे नौशीर तू आया क्यों नहीं अभी तक? सिरिन जवाब में, वो क्या है नी काले भाव, अमेरा आज नवरोज है, हम हार तोरण करता है, अग्यारी जाता है दादाजी को पगे पड़ने को और अखा वरस का पाप धोने को, मैं तो बोलती हूँ तुम भी तुम्हारे मंदिर में होके आओ। दिनकर काले एकदम इरिटेट होके रोहन जायसवाल को, क्या बोल क्या रही है ये? जायसवाल फोन लेता है काले भाव के हाथ से। हेलो आई एम रोहन जायसवाल। सिरिन बारक्या को फोन पास करते हुए, बारक्या तारे माते छे? बारक्या कंफ्यूज होकर फोन लेता है। सिरिन सॉफ्टली बोलती है, जायसवाल जी बारक्या एकदम मूड में है आज। हेलो हेलो ए जायसवाल सेठ, ए क्या तुम ऐसा नवरोज के दिन फोन करके पारसी लोग को हैरान करता है? तेरा दिवाली के टाइम पे बाबा लोग डिस्टर्ब करेगा तो तेरे को कैसा लगेगा? अभी मैं जाता है, मेरे को बहुत काम है, रात के लिए सली मुर्गी बनाने का है। दूसरी तरफ काले, क्या रे फरीदोन तेरे को बहुत चर्बी चढ़ेला है, जोकिंग करता है जोकिंग। वहाँ फोन पर सनोबर हटेली, ए छोलाइलो उंदर, अभी पप्पा को उंगली किया ना तो तेरे को ऐसा कोलमी का टिक्खा टमटमटा पार्टी में डुबा डुबा के मारेगी ना कि ड्रैगन को कैसा मुंह से आग निकलता है वैसा तेरे को कहाँ से निकलेगा, तू सोच, तू खाली सोच। रोहन जायसवाल गुस्से से, मिस्टर फरीदून आई कैन मेक योर लाइफ हेल, डोंट फॉरगेट दैट। यहाँ इंस्पेक्टर जिमी फोन पर, घंटा हेल, अरे अक्खा जिंदगी इनोसेंट लोग को ऐसा ऐसा लफड़े में फंसाएला ये इंस्पेक्टर जिमी ने, तेरे लिए तो लफड़ा ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। पहले मैं भोईवाड़ा पुलिस स्टेशन में था, परेल वाला वो कुका बिल्डिंग, कौन कितना खाया है सब मालूम है अपन को। काले भाव एकदम फ्रस्ट्रेशन से, साला सब बावा लोग का खसक क्या क्या। रोहन जायसवाल उसे फोन स्पीकर पर रखने को बोलता है। काले फोन स्पीकर पर लगाता है। वहां से फरीदून, वैसे दही सेव मुकलने का होता है ऐसा वो चारोली ऊपर नाकी में, पन वो हम खा लेंगा, तुम जरा फोन पर टाइम पास करना बंद करो और बाहर जाके देखो तुम्हारे लिए हम क्या भेजा है। नवरोज मुबारक। रोहन जायसवाल और काले भाव अपने कैबिन के ग्लास पार्टीशन से ब्लाइंड्स हटाकर देख रहे हैं। दोनों के चेहरे पर शॉक और गुस्सा एडजस्ट करने का कोशिश कर रहे हैं। जायसवाल सेठ का पूरा स्टाफ बन मस्का खा रहे हैं। व्हील चेयर पर बैठा बुढ़ा ओल्ड स्कूल जायसवाल सेठ भी। पारसी लोग जब तक कोऑपरेट करता है तो कोऑपरेट करता है, पंजे दिवसे माथू फरियू तो फरियू। यहाँ रोहन जायसवाल और काले भाव का 12 बजे है, पर वहाँ देमावन विला में पार्टी अभी चालू है। फरीदून बद्धा माते ग्लास भरी रहोच ने फल्ली पास करी रहोच। मनमोहन देसाई नी मल्टी स्टारर फैमिली एंटरटेनर जेवु हैप्पी एंडिंग थई रहोच, पन अवे मन भी नहीं रहो ने ना जेवी फिल्मों भी नहीं, अवे तो बस गार गलोच ने सेक्स ने वात वात मा बंदूक। आई कोई कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म वाला होए तो वेब सीरीज ना नामे कचरो बनावी ने सिनेमा थिएटरो नी माय बेने करी दीदीच, जेम पिल्ले वीसीआर की देलू। पन नवी दुनिया ना नवा दाव, जे सीखी ले ते राजा, नहीं तो पाछा तमारे गाम जाओ। हे साला आपुन भी इनका माफिक बोलता है, मिठा मिठा। बाकी क्या, अब तुम भी हेडफोन निकालो, छाटा पानी का टाइम हो गया है। पूरा ईरानी परिवार के साथ एक बार लास्ट बोल दो चीयर्स। चीयर्स। आपुन का माफिक अगर जहांगीर कैफे का स्टोरी तेरे को भी अच्छा लगेला है तो शेयर करने का रे। कुछ बोलने का है आपुन को या फीडबैक देने का है तो फेसबुक इंस्टाग्राम वेबसाइट का हैंडल दिए ला है ना आपुन पॉडकास्ट का डिस्क्रिप्शन में। बिंदास बोलने का, दिल में रखने का नहीं। और हाँ, सीजन 2 खत्म हो गया है पर सीजन 1 सुन सकता है वापस, लिंक दिए ला रे नीचे। दिस इज द नॉन कन्फर्मिंग पारसी नोजर पार्टी वाला एंड यू आर लिसनिंग टू बनमस का पॉडकास्ट।
untold Parsi stories of a Parsi by a Parsi for the world to listen. तो चलो मलिए पाचा season 3 माँ